अपनी जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल। हड़ताल हमने यहाँ सिविल लाइन्स पे किया था, वहाँ भी लगातार ऐसे ही जब प्रदर्शन में गाड़ी वाले जो हमारे भाई साथ आते थे के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कत्लेआम हुआ है, तब इसने वो पार्टियां हैं कि अपना दिल आज उतारेंगे, झूठ बोल लेते हैं, अपना दिल आज उतारेंगे, झूठ बोल लेते हैं, अपना दिल आज उतारेंगे, झूठ बोल लेते हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर, और आज 1 मई है जो मजदूर दिवस बनाया जाता है 1 मई को। आज वही मजदूर आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ सारी महिलाएं इकट्ठा हुई है। इसे जान लेते हैं क्या क्या कुछ है और किस किस लिए मैम इकट्ठा हुई है। मैम किस लिए बोलती है, चलिए वो बोल नहीं पा रही है तो अभी और लोगों से भी बात कर लेते। आज हम मजदूर दिवस है इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। चलिए चलिए आज चलते चलते बात कर दीजिए कि आज एक मजदूर दिवस है, 1 मई है, बहुत बड़ा दिवस माना जाता है। क्या कुछ हुआ अभी अभी, आप लोगों को रोका जा रहा था, पुलिस टुकड़ी पूरी फोर्स मंडी हाउस में इकट्ठा हुए थे और मंडी हाउस से हम लोगों को आने नहीं दिया था, और उसके बाद पुलिस वालों ने बहुत रोका हम लोगों को, बहुत मार पिटाई पे भी उतर गए, बसों में जबरदस्ती भरने लगे, बट हमने भी फिर प्रदर्शन हमारा जारी रहा। प्रदर्शन आप आराम से कर रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक कर रहे थे हम लोग प्रदर्शन, बिल्कुल हमने बोला था कि हम शांतिपूर्वक ही रैली निकालेंगे, मगर ये लोग नहीं माने। फिर हमने क्या करा, फिर पुलिस वालों ने समझौता हुआ, पुलिस वाले वो मैडम आई थी बड़ी एक, फिर उन्होंने मैडम से बात करी, हमारी सीनियर से शिवानी मैम से, फिर उन्होंने बस से ही हमें यहाँ छोड़ दिया सभी को। हाँ जी, अच्छा। तो अभी फिर भी जो है रोका जा रहा था आपको बाहर, जो है बहस हो रही थी, बहस बिल्कुल कर रही थी, क्योंकि लास्ट में कही थी आप यहाँ से पीछे नहीं जाओगे। मैंने कहा अब जब दो लाइनों में शांतिपूर्वक हमें रैली निकाल दी जा रही है तो हमें जाने दिया जाए। शिवानी जी, क्यों इकट्ठा हुए इतना मजदूर जो है, पूरी महिलाएं इकट्ठा हो गई, पुलिस फोर्स आपको रोकने पे तुली हुई, क्या हो गया ऐसा कुछ? नहीं, आज मई दिवस है, आज इंटरनेशनल लेबर डे है, मजदूरों का दिन है, तो आज दिल्ली के
तमाम जो क्रांतिकारी यूनियनें हैं उन्होंने आज मई दिवस मनाने का फैसला किया था और हमारी रैली मंडी हाउस से जंतर मंतर तक निकलने वाली थी। मैं दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की जो यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उससे भी जुड़ी हुई हूँ और हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को इंटिमेट भी किया था कि हम लोग अपनी रैली निकालेंगे, लेकिन उन्होंने हमें रैली निकालने से मना किया। एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखाया, हमारी बहनों को डराने धमकाने का काम किया। हमारी बहनें और तमाम मजदूर साथी डरने धमकने वाले तो हैं नहीं, तो उन्होंने रैली नहीं निकालने देने के लिए फिर बसों में भर के हमें यहाँ पर जंतर मंतर लाया। उनको अपनी कई सारी बसों को इस काम के लिए लगाना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से ये दिखला देता है कि इस वक्त या किसी भी वक्त जो हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं वो कितना बड़ा ढोंग है, कितना बड़ा पाखंड है। मई दिवस जो कि ये सिस्टम भी जो मुनाफे की पूरी व्यवस्था जो है पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये सिस्टम भी किस तरीके से एक दिन कहने के लिए मजदूरों को देता है, लेकिन जब मजदूरों की क्रांतिकारी ताकतें सड़कों पर उतरती हैं, जब वो रैली निकालते हैं तो इनके होश गुम हो जाते हैं, तब ये दमन की नीतियों पर उतर आते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्होंने सिर्फ हमारी रैली को रोका है, आज तथाकथित बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की रैली भी निकलने वाली है। जिन रैलीज में कुछ नहीं होते उनके नेता मंत्री होते हैं, 10-12 मजदूर जो होते हैं वो उनके साथ होते हैं, उनकी रैली को परमिशन नहीं डिनाई होती है, लेकिन जब दिल्ली की क्रांतिकारी ताकतें सड़कों पर उतरती है, जब आंगनवाड़ी सड़कों पर उतरते हैं, आंगनवाड़ी कर्मी सड़कों पर उतरते हैं, तब इनको सारी परमिशन की नौटंकी याद आती है। यानी ये कहने के लिए लोकतंत्र है, ये डंडा तंत्र है, धन तंत्र है, पैसे वालों की तूती बोलती है। और आज हमने देख भी लिया कि किस तरीके से मई दिवस जो मजदूरों की पहचान को, मजदूरों के अस्मिता को एक बार फिर से रेखांकित करने का, उसको एसर्ट करने का दिन है, उस दिन भी इस व्यवस्था के जो असली दांत है, नाखून है, पुलिस फौज, ये फौज किस तरीके से सामने आती है और मजदूरों के बचे खुचे हक अधिकारों को भी तोड़ने मरोड़ने का काम, उनको कुचलने का काम करती है। तो महिलाएं हैं ये सारी इकट्ठी हुई है, आप एकदम जिद पे अड़ गए, परमिशन लेटर जो है उसकी बात जो है बता रहे हैं, वो पुलिस फोर्स पूरी जो खड़ी हुई थी कह रहे कि परमिशन की देखिए कोई जरूरत नहीं होती है, ये सिस्टम ही परमिशन, किस बात की परमिशन, हम इस देश के नागरिक हैं। इन्होंने कहा आप इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि नई दिल्ली में धारा 144 लगी है। क्यों 144 वहाँ क्यों लगी है, वहाँ कौन से खास लोग रहते हैं जिनकी हिफाजत के लिए इनको 144 लगानी पड़ती है, और साल के 365 दिन 144 लगती है, ये तो सोचने वाली बात है। हम देख सकते हैं कि वैसे भी तमाम चुनाववाज पार्टियां पूंजीपति वर्ग की नुमाइंदगी करने का काम करती है, लेकिन 2014 से तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा और संघ परिवार के नेतृत्व में जो फांसीवादी सरकार केंद्र में आई है उसने तो मजदूरों के जो भी बचे खुचे हक थे, जो मजदूरों ने लड़कर संघर्ष करके हासिल किए थे, वो सारे हक भी उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश जारी कर दी। आपको पता ही है कि लेबर लॉज को ख़त्म करके 4 लेबर कोड्स 1 जुलाई से लागू करने की बात हो रही है, और इसमें सारी राज्य सरकारें भी मिली हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे किसी और पार्टी की हो। जब मजदूरों मेहनतकशों की बात आती है तो इन सारी चुनाववाज पार्टियों का असली रंग भी सामने आ जाता है। तो आज का दिन एक बार फिर से मजदूरों की, मेहनतकशों की, आंगनवाड़ी कर्मियों की एकता को, ताकत को दिखाने का दिन है, और ये दिखाने का दिन है कि आप हमले बोलोगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। आप अगर मुसलमानों पर, दलितों पर, स्त्रियों पर दमन का पाटा चलाओगे तो इस देश का मेहनत का, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, धर्म का हो, उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा। और ये तमाम फिरका परस्त ताकतें जो हैं आज जहांगीरपुरी से लेकर तमाम जगहों पर, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो खूनी खेल खेला जा रहा है उसका जवाब भी संगठित क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन ही दे सकता है। प्रधानमंत्री अपने शब्दों के जरिए सराहना करते नजर आते हैं आंगनवाड़ी कर्मचारियों की, कहते हैं कि उनकी वजह से हम कोरोना से लड़ पाए, क्या इतना काफी है? नहीं, काफी कुछ भी नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री तो उनको क्या कहा जाए, वो इस देश में जो सबसे बड़े जुमलेबाज की उपाधि से उनको नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि ये कौन नहीं जानता है कि आंगनवाड़ी कर्मियों ने कोरोना महामारी और उसके बाद लॉकडाउन में देश के बच्चों तक, देश की गर्भवती महिलाओं तक तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाई, यहाँ तक कि कोविड वैक्सीनेशन का काम भी इन औरतों ने किया था।
आपको मैं बताना चाहती हूँ, 2018 में मोदी सरकार ने 1500 और 750 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कितनी बेशर्म है ये सरकार कि आज तक वो पैसा, 4 साल से ज्यादा समय हो गया, वो पैसा आंगनवाड़ी कर्मियों के अकाउंट्स में नहीं आया। और 1500 750 हमें कर्मचारी के का दर्जा चाहिए। हम आंगनवाड़ी कर्मी पूरे देश में, देश की जनता तक वो बुनियादी सेवाएं पहुंचा रहे हैं जो आम तौर पे कर्मचारियों का काम होना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो मोदी सरकार आरएसएस की शह पर इस वक्त देश में कत्लेआम का माहौल कर रही, फैला रही है। और चाहे वो आंगनवाड़ी कर्मियों की बात हो, देश के मजदूरों की बात हो, मुसलमानों की बात हो, दलितों की बात हो, मेहनतकश स्त्रियों की बात हो, ये फासीवादी हुकूमत जब तक सत्ता में बनी रहेगी तब तक ये मजदूरों के हक अधिकारों पे अपना हमला बोलते रहेंगे। और इसलिए आंगनवाड़ी कर्मी हो, देश के फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो, खेतों में काम करने वाले खेतीहर मजदूर हो, आज उनको अपने क्रांतिकारी संगठन बनाकर, क्रांतिकारी आंदोलन खड़े करके फासीवाद और पूंजीवाद दोनों का ही मुकम्मल तौर पे जवाब देने की जरूरत है। इस वक्त देश में जो माहौल है, आपको लगता है कि मेहनतकशों की आवाज सरकार सुनने भी देगी और सुनी भी जाएगी? देखिए, इनके पास कोई चारा नहीं है। हमने अभी पिछले दिनों में देखा, 31 जनवरी से 9 मार्च तक दिल्ली में दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मियों की 38 दिन की जबरदस्त जुझारू स्ट्राइक चली, जिसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को एस्मा जैसे काले कानून का इस्तेमाल करना पड़ा। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी, क्योंकि ये किसी और तरीके से स्ट्राइक को नहीं रोक सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि मजदूरों के आंदोलन उठ खड़े नहीं होंगे। हिटलर भी जर्मनी में था और रूस के मजदूरों ने और जर्मनी के मजदूरों ने फासीवादी नाजी पार्टी और हिटलर को नाको चने चबवाए थे। तो दिल्ली और इस हिंदुस्तान में मोदी, अमित शाह, संघ परिवार और फासीवादी भाजपा का भी यही हश्र होगा। वहां पर इन्होंने निहत्थी औरतों पर लाठी चलाई है। ये हमारे यूनियन की अगवा नेता है सुनीता के सर पे डंडा मारे। ये एक हैंडीकैप वुमन है, हम जानते ही हमारे साथ है, इनके डंडे इनका दमन हमारे साथ है, ये इनका चेहरा हमने अपनी स्ट्राइक में भी गिरने के बाद चार पांच घर तक छोड़ने की सुविधा दे रहे हैं। नहीं, हमें इनकी सुविधा की, हमारे पास तो दो टांगे हैं भाई, हम अपने हमेशा दो टांगों पे ही जाएंगे। आज इनको बड़ी याद आई है, नहीं हम खुद जाना चाहते हैं। हम मोदी जी के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस मोदी जी का कहा माने, हमें आत्मनिर्भर बनने दे, है ना? या उनके आत्मनिर्भर का मतलब यही था, हम जानते हैं मोदी जी के आत्मनिर्भर होने का यही मतलब था कि देश में पुलिस राज कायम होने वाला है, डंडा राज कायम होने वाला है। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्चाई, यही है मोदी राज की सच्चाई, यही है केजरीवाल के राज की सच्चाई। पुलिस के जो ये विशेष आपको मिल रहा है ऑफर, इसके पीछे क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? दिल्ली पुलिस डरती है, दिल्ली पुलिस की हालत खराब हो जाती है जब आंगनवाड़ी कर्मियों की यूनियन, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और आंगनवाड़ी कर्मी सड़कों पर उतरते हैं। जब ये हमारा लाल रंग देखते हैं, इनकी हालत खराब हो जाती है। इनसे हमारा पूरा पुराना सबका हम जानते हैं। पुलिस की या पुलिस को ऑर्डर देने वाले सरकार, पुलिस, दिल्ली पुलिस जिनके इशारों पे काम कर रही है नरेंद्र मोदी एंड अरविंद केजरीवाल की कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों ने मिलके खोली है, उसकी हर उसकी जन्म कुंडली जो है वो आंगनवाड़ी कर्मियों के सामने, दिल्ली की मेहनत का शवाम के सामने है। अब तो देश की मेहनत का शवाम जानती है इन दोनों पार्टियों का, इन दोनों नेताओं का असली चेहरा क्या है। तो केजरीवाल तो यही रोते रहते हैं कि मेरे हाथ में पुलिस प्रशासन नहीं है। हाँ वही बात है, उनके हाथ में नहीं है, लेकिन मोदी जी के साथ जब वो पीछे से सांठगांठ कर लेते हैं तो दिल्ली पुलिस उनकी काफी मदद करती है। हाँ नहीं बोल रहे हैं, अभी आपने देखा जहांगीरपुरी में किस तरीके से मुसलमानों के घरों को ढाने के लिए बुलडोजर लाए गए थे। कहा था केजरीवाल, फासीवादी हमले जो तमाम जनवादी ताकतों पर, मुसलमानों पर, तमाम मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करने वाली ताकतों पर हो रहे थे, तब ये केजरीवाल जो है नरेंद्र मोदी के साथ पीछे बैठ के गलबैया कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया भी केजरीवाल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि अंदर की बात है, केजरी मोदी साथ है, क्यों बोलेगी? दोनों का याराना इतना जबरदस्त है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे देश भर के, दुनिया भर के जो मजदूर है उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगी?
कि मजदूरों को कहाँ एक साथ आने की जरूरत है? देखिए, मजदूर अपने जीवन की स्थितियों से जानते हैं कि ये व्यवस्था जो पैसे वालों की है, पूंजी के दम पे चलती है, मुनाफे पर टिकी हुई है, जिसको एक लफ्ज में कहें पूंजीवादी व्यवस्था, जिसकी नुमाइंदगी तमाम चुनाववाद पार्टियां करती हैं, और ये सरकारें भी इन्हीं बड़े बड़े धन्ना सेठों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेकर छोटे छोटे पूंजीपतियों की भी सेवा करने का काम करती हैं, चाहे भवाना में काम करने वाले फैक्ट्री के मजदूरों या वजीरपुर में काम करने वाले फैक्ट्री के मजदूरों या देश के किसी भी फैक्ट्री कारखाने खेत खलिहानों में काम करने वाले मजदूर हों, आंगनवाड़ी की कर्मी हों, आशा कर्मी हों, आज वो अपने जिंदगी के हालातों से जानते हैं ये सिस्टम उनका नहीं है। और आज हमने अपने तजुर्बे से खुद देख लिया कि मई दिवस मजदूरों का दिन भी इस जनतंत्र की असली कलई खोल के रख देता है। जब मजदूरों को एक दिन जो उनका दिन है, उस दिन भी ये सरकार रैली, ये पुलिस रैली निकालने से मना करती है, तो समझ में इस देश के मजदूरों को तो भली भांति आई है। लेकिन ऐसा कैसे प्रदेश में आम आदमी की सरकार है, देश में सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, उसके बाद भी ये भेदभाव, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब? हाँ, क्योंकि पूंजीपतियों के तलवे चाटने वाली सरकार है ना, ये तो आप उनसे पूछिए, है ना, कि उनकी सारी नीतियां टाटा बिरला अंबानी अडानी गोइनका इनके लिए क्यों बनती है, उनकी सारी नीतियां पूंजीपतियों के लिए क्यों बनती है, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हम तो मजदूर वर्ग के नुमाइंदे, हम तो उनकी बात करेंगे। इतना तय है, ये सिस्टम हर बीतते दिन के साथ अपनी कब्र में, अपनी ही जो है ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन आखिरी जो इसको धक्का देने का काम है, वो हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग करेगा, हिंदुस्तान की मेहनत कश आबादी करेगी, आंगनवाड़ी कर्मी, तमाम आशा वर्करें, तमाम जो इस तरीके के मेहनत करने वाले लोग हैं, जो अपने खून के पसीने और जो ये पसीने के कतरे होते हैं ना, मेहनत का जो होता है, उसके दम पे वो सारा काम करते हैं। ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा अगर मजदूरों ने एक दिन काम करना बंद कर दिया, तो ये भी जानते हैं असलियत। तो इनके फौज, पुलिस, बैरिकेड्स, लाठियाँ, ये आंसू गैस के गोले और ये वाटर कैनन्स काम नहीं आते हैं। बड़े बड़े इनकलाब जो हैं वो जनता लेकर चली थी, और तमाम ये फौज फराटे उन इनकलाबों के सामने कहीं नहीं नजर आते। आखिरी सवाल, इतने प्रदर्शन के बाद भी कानून लाए गए, श्रम कानून आए, और अब उनको लागू होने करने की बात भी सामने आ रही है, सरकार पूरी तैयारी? क्योंकि ये भी सच है कि आज मजदूर वर्ग की ताकतें बिखरी हुई हैं। जो मजदूर वर्ग की नुमाइंदगी करने वाली तमाम तथा कथित बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन है, वो दलाली के अलावा, गद्दारी के अलावा, विश्वासघात के अलावा मजदूर वर्ग के साथ कुछ नहीं करती हैं। वो सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स के दम पर इठलाती हैं, लेकिन वाकई में मजदूरों की पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मी तो अपने संघर्ष से जानते हैं, सीटू जैसी दलाल ट्रेड यूनियन किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर आंगनवाड़ी कर्मियों की स्ट्राइक तोड़ रही थी। और ये एक जगह की बात नहीं है, आज जहां जहां मजदूरों के क्रांतिकारी आंदोलन जब आगे बढ़ते हैं, तो यही दुवन्नी चवन्नी मेंबरशिप वाली जो बड़ी बड़ी तथाकथित ट्रेड यूनियन है, ये इन्हीं जो सरकारों की जेबों में बैठी हुई है, ये मजदूरों को बरगलाने का काम करती हैं। तो ये बात सच है कि आज के वक्त में मजदूर वर्ग की ताकत बिखरी हुई है। आज सही तरीके से एक बार फिर से इस मई दिवस के दिन ये संकल्प लेने की जरूरत है कि इन बिखरी हुई ताकतों को संगठित करने की जरूरत है। आज कोई भी मजदूर, कोई आंगनवाड़ी कर्मी का है, हम अपना आंदोलन लड़ेंगे, इंडस्ट्री के मजदूर कहे कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये संभव नहीं है। आज मजदूरों को व्यापक एकजुटता कायम करके और जाहिरा तौर पे अपनी एक इनकलाबी पार्टी का निर्माण करके, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी आज नहीं है जो मजदूर वर्ग की, लाल रंग के नाम पे तो हजारों पार्टियां हैं। हाँ, वही दलाल पार्टियां, गद्दार पार्टियां, जो CPI CPM लिबरेशन टाइप जो पार्टियां हैं, जो पिछले लंबे समय से मजदूर हितों को ताक पे रख के पूंजीपतियों की सेवा करने का काम करते हैं। वेस्ट बंगाल और केरला में आप देख सकते हैं कि वहां पर हालात क्या है। आज नए सिरे से एक इनकलाबी पार्टी के निर्माण और गठन का कार्य मजदूर वर्ग के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, जाहिर तौर पे चुनौती है। कोई ये नहीं कह रहा है कि कोई यूनिटी बनी हुई है, यूनिटी आज एक बार फिर से बनाने की जरूरत है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, और मेरा मानना है, हमारे संगठनों का मानना है कि जाहिर तौर पे पूंजीवाद को और जो फासीवादी निजाम मोदी सरकार जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है, इसको ठिकाने लगाने का काम इस देश का मेहनत करने वाला तबका, इस देश का मजदूर जमात ही करेगा। मेहनत कशों को बुलडोजर से डर नहीं लगता? नहीं लगता है। बुलडोजर भी देखिए मेहनत कशों ने ही बनाए होते हैं। बुलडोजर पे चलाने वाला आदमी भी वो आदमी होता है जो उनके पेरोल पर बैठा हुआ है, और जब इनकलाबी चेतना जनता के बीच में जड़ जमाती है, तो बुलडोजर पे बैठा हुआ आदमी भी बुलडोजर व्यवस्था के खिलाफ चलाता है, मजदूरों के खिलाफ नहीं चलाता। सड़कों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जब वो कहते हैं कि हमें जहांगीरपुरी से लेकर जब कभी भी मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ
खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कत्लेआम हुआ है, तब इसने वो पार्टियां हैं ये अपना बिल्ला उतारेंगे, झूठ बोल लेते हैं। नहीं 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 हम रामले मैदान गए, पुलिस दिल्ली पुलिस इतना झूठ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं एक बार हकीकत देखेंगे, कोर्ट में तो वीडियो देखी जाती है, कोर्ट तो वीडियो को मानता है सर जी, कोर्ट तो सबूत। अरे हम कोई मर्डर कर रहे हैं क्या, धारा 144 लगा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं क्या, और ये राज्य सत्ता, ये पुलिस मजदूरों के ऐसे प्रदर्शनों को कुचलने की हर कोशिश करती है, चाहे 1886 का 4 मई का है मार्केट स्क्वायर हो, चाहे शिकागो में मजदूरों के प्रदर्शन पर बम फेंका गया था, मजदूरों के 4 नेताओं को, पार्सन्स को, एंजल्स को, स्पाइस को, फिशर को फांसी दे दी गई थी, इसलिए कि मजदूरों का संगठन कमजोर हो सके। लेकिन हम हमारे शहीदों को फांसी जब से दी गई, तब से दुनिया भर के मजदूर हर साल सड़क पर उतरते हैं, अपनी ताकत को मजबूत करते हुए और ये बताते हुए कि इस देश का मजदूर, इस दुनिया का मजदूर एक है और एक रहेगा, और जब तक कि यह राजनीतिक सत्ता मालिक वर्ग के हाथ में है, तब तक मजदूर वर्ग लड़ता रहेगा अपने हक अधिकारों के लिए और एक क्रांतिकारी रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। आज भी हमारे झंडों में हमारे 4-5 दिन से दबाव डाला जा रहा था कि रैली मत करो, परमिशन नहीं है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन मत करो, और ये हर हमेशा ही होता रहा है। और आज भी जब हम लोग मंडी हाउस पर एकजुट हो रहे थे, वहाँ पर रैली निकालने के लिए हम लोग शुरू कर रहे थे, तो हमारी महिलाओं के साथ, हमारी महिला मजदूरों के साथ बदतमीजी की गई, जोर जबरदस्ती की गई, 3-4 बार लोगों को उठाकर बस में बैठाया गया, लेकिन अपनी ताकत के दम पर हम लोग वहां पर अड़े रहे और अंत में अब यहां पर आए हैं। और अभी भी हमारी एक टीम देखिए अभी पहुंची है, ये एक बहुत देर से इन्होंने ये पहले ये भी साजिश थी कि इनकी एक बस आगे भेज दो, कुछ नहीं कर रहा जी, मैं तो बस हमने अपने हक मांगा तो उन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया, इन्होंने मोदी जी ने और केजरीवाल ने, मोदी जी और केजरीवाल ने सीधा आपने उनका नाम लगा रहे। हाँ और क्या, नाम ही उन्हीं का है दोनों का, दोनों भाई सगे भाई हो रहे, मुसेरे मुसेरे कहाँ, 15 साल हो तो गए नौकरी कर ली, अब क्यों 15 साल के बाद क्या फिर हम रोड पे भीख मांगने लग जाए, 15 साल के बाद इन नेताओं का कोई कार्यकाल नहीं होता, हम लोगों को तो 60 साल तक तो नौकरी करनी है ना, लेकिन एक चीज बताइए, हमें सैलरी नहीं मिलती, हमें भत्ता दिया जाता है, और भत्ते भी हमारे कभी कभार काट लिए जाते हैं, और भत्ता भी हमें समय पे नहीं दिया जाता, कई बार तो कई कई महीने रोक लिया जाता है। हड़ताल करना एक संवैधानिक अधिकार है, और धरना प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से इतनी टर्मिनेशन लड़कियों को क्यों किया गया, तो मैं ये कहती हूँ अगर हम गलत है, केजरीवाल सरकार सबसे पहले गलत है, उसे गिराया जाए। केजरीवाल सरकार आम पार्टी धरना प्रदर्शन से उठी थी और धरना प्रदर्शन से वो सत्ता में जाके बैठी है,
पहले केजरीवाल सरकार गलत है, बाद में हम लोग गलत। चलिए अभी हमने जो है इन्हीं मजदूर बहनों से बात की, आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन्हीं से बात की, आशा वर्कर भी इसमें शामिल हैं उन्हीं से हमने बात की, तो क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं और क्या कुछ इनकी बातें हैं वही रखने के लिए आज बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मजदूर दिवस है, उसी को मनाने के लिए ये यहाँ पर जुटे थे। मगर यहाँ पर अधिकारी वर्ग जो था इन्हें रोकने लगा, इनको मंडी हाउस से चलते हुए आ रहे थे, इन्हें डिटेन कर लिया गया था, उसी के चलते अभी ये जो है रैली करते हुए यहाँ पर एकजुट होकर बैठ गए हैं। अब तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने का इनका ऐलान जो है कर दिया है, तो जब तक देखते रहिए जनहित आवाज। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ जंतर मंतर दिल्ली। हमारी जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल, हड़ताल हमारी ना टूटे हड़ताल, जारी है हड़ताल, जारी है ना टूटे हड़ताल, और सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, सही 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 मांगों को लेकर जब हम सामने आए, सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, और इसके अपने सगे सिपाही बंदों के ले आए, इसके अपने सगे सिपाही बंदों के ले आए, और जाने अपने कितने साथी यूं ही गए उड़ाए, सुन लो अब हम सारे चल कर बने मताल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल।